डॉक्टर जी, HIV मरीज वाला शादी कर सकता है, बच्चों के लिए योग्य होता है? HIV एड्स रोगी वो तो शादी कर सकता है, जरूर कर सकता है। आजकल एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, एड्स की जो दवाएं हैं, गोली हैं, ये गोली खाने से एक साल में उसमें कितने लैक्स ऑफ HIV वायरस हो वो तो सब कुछ बहुत घट जाएंगे। इतना ही नहीं, एड्स की दवा लेने से एक साल में उसमें इन्फेक्टिविटी दूसरे आदमी को बीमारी देने वाली जो वो शक्ति होती है वो बहुत तो ठीक रहेगा नहीं। इन्फेक्टिविटी इसको बोलते हैं, इन्फेक्टिविटी जो आदमी ठीक तौर पर ARV मेडिसिन एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी एड्स की दवाएं खाते हैं ठीक तौर पर, उसके एक साल में ही उसकी तबीयत ठीक बन जाएगी कि वजह से दूसरे आदमी को बीमारी एड्स बीमारी आने की संभावना बहुत बहुत कम है। इसलिए एड्स रोगी ठीक तौर पर दवा जीवन भर लेता रहना है, जीवन भर। वो जो व्यक्ति लेता है उसको एक साल में ही इन्फेक्टिडी दूसरे आदमी को वो जीवन आने की संभावना नहीं, और वो तो शादी कर सकता है, बच्चों को भी पैदा कर सकता, योग्य होता है, बच्चे को बच्चे बच्चे पैदा होने का योग्य होता है। लेकिन सब कुछ डॉक्टर को दिखा करके डॉक्टर के परिवर्तन में वो तो जैसे इलाज करना है इलाज जैसे तब उसी के अलावा जिसको वो शादी करता है वह आदमी पुरुष महिला कोई भी दूसरा वाला जिनको वह शादी करते हैं उसको जो एड्स नहीं बीमार नहीं रहने पर भी वो भी प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस वो दवा वो भी एड्स की दवाएं लेना है। लेने से इसको थोड़ा सा रहने पर भी उसको बीमारी आएगा नहीं। इसलिए ये एड्स से बरोगी तो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी ड्रग्स लेना है, वह दवाएं लेना है, जिनको वो शादी करता है उनको वो भी एक गोली खाना है, खाने से उसको ये बीमार आएगी नहीं और बच्चे भी पैदा करा सकता है, उसे कोई संदेह नहीं। और कुछ वीडियो के लिए थोड़े ही समय में 19.5 करोड़ व्यूज हासिल किए और 20 करोड़ व्यूज की ओर दौड़ रही डॉक्टर समरम मल्टी चैनल नेटवर्क समर्पित सुख संसार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram Multichannel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.